आई थिंक बहुत कुछ वजह होनी चाहिए. डेफिनेटली पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सेक्स फील होनी चाहिए, अच्छी फिजिक होनी चाहिए. आई थिंक स्मार्ट, अट्रैक्टिव, मेंटली अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड बाकी सब तो सब कर ही रहे. नो नो नो, आई एम गेस्ट, आई जस्ट कम हियर टू एंजॉय माय सेल्फ. Yeah, of course, I'm very excited. It's releasing on 2nd, which is just 1 week away. So definitely the countdown has begun and I'm waiting for 2nd of December to come as soon as possible. Yes, we've started with city tour. From tomorrow we are going. So I just hope that 2nd December proves to be a good Friday for me. I don't know. I hope that I should be working this new year because I've taken enough of offs. I want to work. I want to make money. Filhal bahut problem hai. So definitely I'm looking forward to be working on 31st. If by chance I don't, then definitely I will plan something. Not sure yet. Okay. Hi, I want to wish everyone a very happy new year. Thank you. Clicker. Good to be here. I was a part of Mr. India contest in 2002. So I know the feeling, how it feels there on stage with, you know, we have 30 guys or a shortlisted guys. Really tough, both anxiety hoti hai, but it's results are super fine, I think, at least for me. You know, you should be honest, first of all. You should be honest to yourself, you should be honest everywhere. And talk what you feel, don't pretend, and I think the vibe will reach to the judges. I think they'll give the best decision. Filhal film to ban chuki hai. अब ये निर्णय मेरे प्रोड्यूसर्स का है और वो जब रिलीज करेंगे तब करेंगे. आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट टाइम टू रिलीज इट एंड आई हैव डन माय हार्ड वर्क. लेट्स सी क्या होता है. मुश्किल तो था बहुत. पहली बार तो खुद को उनकी जगह देखना और वो रोल करना बहुत मुश्किल था. मैंने 3 बार मना भी किया बिकॉज मैं कहा वो कहा, मतलब मेरा कहीं मेल नहीं है.
बट उन्होंने कन्विंस किया कहीं ना कहीं, मुझे वो लुक दिखाया कि कैसे देखेंगे यार, और फाइनली मैं रेडी हुआ और फिल्म कर ली यार. एक्टर का काम है फिल्म करना, बाकी तो भगवान के हाथ में. जी ऑब्वियसली मुश्किल था, पहली बार तो 3 घंटे बैठना पड़ता था मेकअप के लिए, ऑल द प्रोस्थेटिक एंड ऑल, तो काफी मुश्किल रहा, बट एक कुछ सीखने को भी मिला, तो अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे कुछ आइडिया नहीं इस बारे में, मैंने एक्टर हूँ, मैंने काम कर लिया है, बाकी अब वो लोग देखें. अभी जनवरी में एक फिल्म आएगी, बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है और काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने, इसका नाम इरादा, और नसीर सर हैं, अरशद सर हैं, मैं भी छोटा सा एक किरदार में हूँ, वो अच्छी फिल्म है. बाकी एक फिल्म आ रही है 4 नवंबर को, आप अगर हॉलीवुड फिल्म्स के फ़ैन हैं और एनिमेशन के फ़ैन हैं तो एक फिल्म आ रही है मोआना, डिज्नी की फिल्म है, और अगर आप रॉक के फैन हैं ड्वेन जॉनसन के तो फिल्म देखने जाइए, लेकिन हिंदी में जाइए, मैंने डब की है. थैंक यू. अरे मैं यहाँ जा रही हूँ बाबा.